ग्रहण 26 दिसंबर 2019। आप सभी लोग विचार कर रहे होंगे कि साल के जाते जाते ये अंत में जो ग्रहण आया है कुछ दिनों पहले, ये आपकी राशियों पर क्या प्रभाव डालेगा। इस ग्रहण के बारे में बताना चाहूंगी कि ये अफ्रीका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक दिखाई देगा। ये सूर्य ग्रहण भारत में भी थोड़े स्तर पर दिखाई देने वाला है, लेकिन माना जा रहा है कि ये सूर्य ग्रहण इस बार अत्यधिक प्रभावशाली है। उस दिन 6 ग्रह एक साथ धनु राशि के लग्न में स्थित होंगे, सूर्य, चंद्रमा, केतु, बुध, बृहस्पति और शनि। तो आगे जितने भी वीडियोस आप देखेंगे अपनी अपनी राशियों का, उसमें आप जानेंगे कि आपकी राशि में इस सूर्य ग्रहण का क्या प्रभाव होने वाला है। सूतक, सूतक 25 तारीख को शाम में 5:30 से प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 8:17 से 10:57 तक ग्रहण काल रहेगा। कन्या राशि वालों, 26 दिसंबर 2019 का ये ग्रहण आपके जीवन में, आपकी पारिवारिक स्थिति में भारी उथल पुथल लेकर आने वाला है। कोई अशुभ घटना परिवार में घट सकती है, आपकी माता को भी कष्ट हो सकता है, माता जी की तबीयत खराब हो सकती है। कोई भी बड़ा निवेश या कोई भी कार्य इस तरह का इस समय में ना करिए। ऐसा निवेश ना करें जिसमें आपको आगे चलकर नुकसान हो जाए। आपके दिमागी स्थिति सही नहीं रहेगी, मानसिक उद्विग्नता बनी रहेगी, आप परेशान रहेंगे। तो इस ग्रहण के समय में आपको अपने गुस्से पे, दिमागी उद्विग्नता पे कंट्रोल रखना होगा। और जो सूतक जब से शुरुआत होता है तब से जो नियम होते हैं आप उसका विशेष ध्यान रखिए। गणेश जी की आराधना करिए, उनका मंत्र जाप करिए, क्योंकि गणेश जी की आराधना से केतु शांत होते हैं और पूरा ग्रहण ही केतु की वजह से है। इसलिए गणेश जी की आराधना करिए, उनका मंत्र पढ़िए और उसके अलावा सूर्य भगवान को अर्घ दीजिए और सूर्य मंत्र का जाप कीजिए। जब ग्रहण समाप्त हो जाए तो स्नान करिए और कुछ आप चाहते हैं कि दान करना है, पुण्य के काम करने हैं तो वो अवश्य कीजिए। इसी के साथ ओम नमः शिवाय।